अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पैन ते भरा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तो आज मैं बड़े गोश्त का कीमा बना रही हूँ। तो मैंने गोश्त जो है ना वो मैंने गाल लिया है प्रेशर कुकर के अंदर। तो अभी मैं ऊपर से सीटी जो है वो उतारने लगी हूँ। तो सीटी जब गोश्त खाली गालते हैं तो इसके अंदर फिर गैस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो सीटी हमेशा थोड़ी सी ऊपर करें ताकि गैस निकल जाए, पानी जो होता है जखनी वो ना निकले। तो अगर जखनी निकल जाए तो फिर बिल्कुल वो फोका फोका सा तो आवाज़दार सा बनता है। तो इसलिए मैं जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर करती हूँ सीटी, तो फिर उतारती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गल गया है। तो मैं बनाने लगी हूँ अपने खामद के लिए, तो उनको मैं देसी घी के अंदर बना के देने लगी हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना देसी घी के अंदर बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं खुद स्पेशल सादा और सिंपल तरीके से बनाने लगी हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले जो होते हैं ना वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं खुद ही बना रही हूँ। पहले तो मेरी बेटी, जब की ईद आई है मेरी बेटी बना रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझसे ना चूल्हे के आगे बैठा ही नहीं जाता। तो वो कहती है कि मामा चलो ठीक है आप रहने दें, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो आज जो है ना वो मैं पहली हांडी बनाने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो देसी घी मैंने डाला है और साथ मैंने पेस्ट बनाया हुआ था लहसुन अदरक और टमाटर, इन सब चीज़ों का मैंने बनाया पेस्ट, तो वो मैंने अंदर डाल दिया है। तो अच्छे तरीके से भूनूंगी, क्योंकि लहसुन की जो होती है ना स्मेल फिर वो आती है अगर अच्छे तरीके से ना भूना जाए तो। तो अब मैं अच्छे तरीके इसको तकरीबन 15-20 मिनट भूनना है, उसके बाद फिर मैं कीमा डालूंगी। तो खाली कीमा नहीं डालूंगी, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैंने गाला, इसको मैंने 20 मिनट लगवाए हैं। तो अब मैं इसके अंदर नमक मिर्च डाल के भून के फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करना है आगे। तो नमक जो है वो मैंने इसके अंदर ही कीमे के अंदर ही डाल लिया था जितना डालना था। तो अभी मैं फिर इस मिर्च के अंदर नहीं डाल रही। तो जब कभी भी ये यखनी जो होती है ना वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए, वो ऐसी अंदर डाल के तो जज़ब कर लेनी चाहिए गोश्त के अंदर ही। जो भी गोश्त बनाएं यखनी जो होती है ना वो नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि यखनी अगर निकल जाती है तो फिर बाकी गोश्त जो है ना वो मज़े का नहीं बनता। तो ये देखें मैंने यखनी समेत कीमा जो है ना अंदर डाल दिया है, ऐसे जो है वो है ना कि मेरी यखनी जो है वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो हमारी लाइट चली गई है, अभी पानी जो है ना वो खुश्क हो गया है। तकरीबन आधा घंटा लगा है, तो इतना मज़ेदार बना है ना। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाला है, वो मैं दिखाना मुझे याद नहीं रहा, भूल गई हूँ, क्योंकि जो है ना लाइट वो थी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ना वैसे ही। तो ये देखें मैंने साथ नान मंगवाए हैं, तो ये 12 बजे का टाइम है और सब लोगों के लिए नान मंगवाए हैं। और ये देखें बनाया तो मैंने अपने मियाँ के लिए है स्पेशल, लेकिन सारे लोग मिलके ही खाएंगे और बनाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे इजी बन भी जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है और मज़े का भी लगता है। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।